कैसे हो मेरे कॉमिक्स के प्रेमियों? भाई मैं तो बहुत सरप्राइज हूँ ये देख के कि ये कौन सी कॉमिक्स मेरे हाथ में आ गई है जिसके पीछे एक विश्व रक्षक नागराज की नई कॉमिक्स का विज्ञापन दिया गया है। 7 साल के लंबे अंतराल के बाद विश्व रक्षक नागराज लौट के आ रहा है सर्प सत्र में, और ये कौन सी कॉमिक्स है भाई जिसमें सर्प सत्र का एक नहीं दो दो विज्ञापन दिए गए हैं। अनुपम सिन्हा जी की बेहतरीन आर्ट में एक्साइटमेंट को बढ़ाती हुई कि आपके हाथ में आने वाली है सर्प सत्र, साथ ही साथ विश्व रक्षण यानी कि क्लासिक नागराज का सीई का एडवाइस में दिया गया है। गैस कर सकते हैं आप हम किस कॉमिक्स के बारे में बात कर रहे हैं? ग्रैंड मास्टर रोबो, बांकेलाल, कितने कितने सारे इसमें एड्स दिए गए हैं। प्रेम ग्रंथ ध्रुव का नया आ रहा है, आज़ादी सेना का ऐड दिया गया, बांकेलाल की नई कॉमिक्स का ऐड दिया गया। गैस करिए कौन सी ये कॉमिक्स है। चलिए ज़्यादा इस चीज़ को नहीं बढ़ाते हैं और राज खोल देते हैं। ये है ध्रुव की नई कॉमिक्स आज़ादी की ज्वाला। बहुत लंबे इंतजार के बाद, बहुत ज़्यादा दिक्कतों के बाद ये कॉमिक्स फाइनली मेरे हाथों में आ गई है। एक बार इसका पोस्टल वापस चला गया फिर मेरे पास आया, ऐसा लगा कि जैसे आज़ादी मुश्किल से मिली थी ना, ऐसे ही आज़ादी की ज्वाला मेरे हाथ में बड़ी मुश्किलों से आई है। और इसकी मजे की बात यह है कि इसका हीरो ध्रुव तो है लेकिन सुपर कमांडो ध्रुव नहीं है, इसका हीरो है स्वतंत्रता सेनानी ध्रुव। राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से ये कॉमिक्स हमको दी गई है जिसमें एक नया प्रयोग किया गया है जिसमें ध्रुव को एक बिल्कुल ही नए रूप में दर्शाया गया है, एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जो लड़ रहा है अंग्रेजों से भारत को आज़ादी दिलाने के लिए। धमाकेदार एंट्रीज में ध्रुव की होती है, उसके बाद आता है कवर पेज एकदम बॉलीवुड फिल्म के स्टाइल में। स्वतंत्रता सेनानी ध्रुव पेश करते हैं आज़ादी की ज्वाला। तो बात करते हैं इसकी चित्रकारी को लेके। चित्र अच्छे बन पड़े हैं और जो चीज़ इसमें एक्साइट करती है वो एक्साइट करती है ये एडवर्टीजमेंट्स। आप देखिए आज़ादी सेना का इसमें ऐड दिया गया है, ये आज़ादी की ज्वाला का अगला पार्ट है, सेकंड पार्ट। 4 पार्ट में ये कॉमिक्स आनी है, अगला पार्ट है इसका आज़ादी सेना। तो इस कॉमिक्स की चीज़ें आपको लगेगा कि कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, कुछ कहीं कहीं ये लैग करता है। लैग कहाँ पे करता है पहले बात करते हैं। कहानी की शुरुआत बहुत अच्छी हुई लेकिन फिर ये लगता है कि हम एक बॉलीवुड मूवी देख रहे हैं। हाँ इसमें कुछ अभी बहुत नया नहीं हुआ, ट्रेन रॉबरी दिखाई गई, ठीक है भागता हुआ आ रहा है, और उसके बाद लेकिन इसके साथ साथ ये चीज़ भी लगती है कि भाई आने वाले समय में जो अगली 3 पार्ट्स आ रहे हैं उसमें कहानी कुछ बहुत अच्छी बन के आने वाली। चित्रों की बात करें तो चित्र आपको कन्फ्यूज़ करेंगे, कहीं लगेगा बहुत अच्छे चित्र हैं, बॉडी एनाटॉमी इतनी अच्छी है कि बस कह नहीं सकते कि कोई अच्छी चित्रकारी की गई है, लेकिन दूसरे ही पल आपको लगेगा यार ये क्या बच्चों वाली चित्रकारी करती, सिर्फ पेंसिल से लाइनें खींच दी बन गए चित्र। तो चित्रों को हम ना अच्छा कह सकते हैं ना बुरा कह सकते हैं, एक नया प्रयोग कह सकते हैं, बिल्कुल एक आप कहते हैं ना ग्राफिक नॉवल के स्टाइल में इसको बनाने की कोशिश की गई है। और आगे चल के इसका जब सीई आएगा, कलेक्टर कंबाइंड एडिशन आएगा, तो उसमें मुझे लगता है कि ये एक कंप्लीट ग्राफिक नॉवल बन के आएगा, तब हम इन चित्रों को कह सकते हैं जी मैच करते हैं जो बनाने की कोशिश की गई है। तो चित्रों को हम लेके चलेंगे 3.5 स्टार के आसपास। कहानी की हम बात करें तो कहानी भी 3.5 से 4 स्टार के बीच ही रहती है। एड्स जो इसमें दिए गए हैं ये इसको मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड करते हैं, क्योंकि इस कॉमिक्स के साथ साथ एक तो एक्साइटमेंट ये है कि इसके अगले 3 पार्ट्स आने वाले हैं, दूसरा एक्साइटमेंट अब ये बन जाता है कि ये जो कॉमिक्स इसमें दी गई हैं भाई ये भी आने वाली हैं। और इसमें ऐसा नहीं कि सारे पुराने संस्करण की बात की गई है, ग्रैंड मास्टर रोबो, बांकेलाल की उत्पत्ति श्रृंखला, आया चुंबा का कलेक्टर एडिशन, सिर्फ कलेक्टर एडिशन की बात इसमें नहीं की गई है, इसके साथ साथ आने वाली नई सीरीज़ और नई कॉमिक्सों का जिक्र भी इसमें किया गया है। उसमें से एक है सर्पसत्र जो बहुत जल्दी हमारे हाथों में आने वाली है, उसके बाद आती है बांकेलाल की एक नई कॉमिक्स जिसके बारे में जिक्र किया गया, ध्रुव की नई श्रृंखला, प्रेम ग्रंथ की इसमें बात की गई है। ये सर्पसत्र का जो ऐड है ना इसने तो बस आप ये कहिए कि पैसा वसूल कर दिया, एक नहीं दो ऐड दिए हैं। अनुपम सिन्हा जी की चित्रकारी इतनी अच्छी है, आज़ादी की ज्वाला इतनी सुंदर बन के पड़ी है कि आप इसको एक कलेक्टर एडिशन मान सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते पुरानी से कंपेयर नहीं कर सकते, पुराने ध्रुव से कंपेयर नहीं कर सकते, ध्रुव की पुरानी शक्ति का इसमें कोई ऐसा दिखाई नहीं गया कि भैया जानवरों से बात करता है या कुछ, लेकिन एक नया प्रयोग बिल्कुल ही नए फ्लेवर में ध्रुव आपके सामने इसमें दिखाया। तो यह है आज़ादी की ज्वाला आपके सामने। वीडियो पसंद आया तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इंतजार कीजिए मेरे साथ आगे आने वाली कॉमिक्सों का। नमस्कार मेरे कॉमिक्स प्रेमियों, मिलते हैं।